नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीवी। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। जी हां, देश का विकास दर जो है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। 5.8% से विकास दर जो है 5% पर पहुंच गया है। और ये जो है पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून तक की बात की जाए तो विकास दर जो है 5.8% से 5% पर आ गिरा है। अगर पिछले साल देखें इसी तिमाही में तो विकास दर जो है वो 8% से ऊपर था, लेकिन इस साल अगर देखें तो ये सबसे निचले स्तर पर पहुंचा है। अभी तक के मोदी सरकार के कार्यकाल को अगर देख ली जाए तो ये सबसे सुस्त कह सकते हैं विकास दर है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि 5% पर विकास दर पहुंचा है। जीडीपी घटकर 5% हो चुकी है। मंदी के कारण देश की विकास दर में ये गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। 5.8% से घटकर 5% हो गई है विकास दर। और ऐसा बताया जा रहा है कि आर्थिक मंदी जो चल रही है उसका असर अब भारत में भी देखने को मिला है। लेकिन विशेषज्ञ जो हैं, जानकार जो हैं, वो बता रहे हैं कि अक्टूबर से ग्रोथ रेट में जो है डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। तो अभी इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल अगर मोदी सरकार के कार्यकाल में देखें तो ये सबसे निचले स्तर पर है। जीडीपी 5% पर पहुंच गई है। अक्टूबर से ये उम्मीद की जा रही है, जो जानकार है वो बता रहे हैं कि ये ग्रोथ रेट में डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन मंदी का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। आप अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, आप देखते रहिए आर9।